Good morning, students. How are you all? Fine. Are you studying or not? Studying. Good. Now we are going to do some addition. Okay, students. It is given in your book also, page number 95. Okay? Let's start. Yes. See, the first one is rupees 10. Okay? कितने रुपीस है? 10 रुपीस एंड 2 रुपीस. ओके, 10 रुपीस एंड 2 रुपीस. क्या करना है इधर? रुपीस 10 प्लस रुपीस 2. ये देखो, ये साइन देखो, क्या करना है? ऐड करना है, प्लस करना है. ये जो नंबर दिया है ये 10 है. ओके, 10 के साथ आपको कितने नंबर जोड़ना है? 2 नंबर. ओके, सी 10, ओके, 10 प्लस 2, 10 प्लस 2, 10, 10 प्लस 2, ओके, 10 के साथ आपको 2 नंबर प्लस करना, ऐड करना है, ओके स्टूडेंट्स, 0 प्लस 2, 0 मींस शून्य, कुछ भी नहीं है, ओके, 0 के साथ आपको कितने नंबर प्लस करना है? 2 नंबर. ओके, प्लस करना है तो क्या आंसर मिल जाएगा? 0 मींस शून्य, कुछ भी नहीं है, नथिंग. ओके, देन क्या मिल जाएगा इधर आपको आंसर? 2 मिल जाएगा. ओके, देखो 2 मिल गया. देन इधर देखो, इधर कितने नंबर है? इधर ओनली 1 नंबर. देखो इधर ऊपर एक ही नंबर है, नीचे नंबर है क्या? कुछ भी नहीं है. अब तो आपको क्या करना है, ये नंबर को ऐसे ही निकाल के लिखना है नीचे. देखो क्या आंसर मिल गया, 12. सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12. और 12 क्या है? रुपीस है क्या? पैसे है क्या? 12 रुपीस है. ये देखो इधर रुपीस दिया है, 10 रुपीस एंड 2 रुपीस. तो इधर क्या है, इधर क्या लिखना है? रुपीस लिखना है. कितने रुपीस है? 12. ओके स्टूडेंट, समझ में आया है क्या? यस. देन सेकंड लाइन 20. ओके, रुपीस 20 प्लस रुपीस 8. देखो 20 रुपीस प्लस 8 रुपीस, 20 रुपीस के साथ कितने नंबर ऐड करना है? 8 नंबर. ओके, 20 प्लस 8, 20 प्लस 8, देखो 0 प्लस 8, 8, ओके, देन हियर 2, क्या आंसर मिल जाएगा आपको? 20 प्लस 8, 28, ओके स्टूडेंट्स, 28 क्या है? रुपीस है क्या? पैसे है क्या? 28 रुपीस है. ओके, देखो 0 प्लस 8, 0 के साथ 8 नंबर ऐड करना है, क्या मिल जाएगा? 8 मिल जाएगा. 0 शून्य है, कुछ भी नहीं है, नथिंग. ओके, यस, 0 प्लस 8, 8 देन 2. ओके, 28. देन नेक्स्ट रुपीस 15 प्लस रुपीस 4. देखो 15 रुपीस के साथ कितने रुपीस ऐड करना है? 4. ओके, 4 रुपीस ऐड करना है आपको. कितने रुपीस ऐड करना है? 4 रुपीस. ओके, 15 प्लस 4. ओके स्टूडेंट्स, ये देखो इधर 5 के नीचे 4, इन दोनों नंबर को प्लस करना है. ओके, हाउ? ओके, इधर कितने नंबर है? 5 है. 1, 2, 3, 4, 5. देखो कितने स्ट्रोक्स बनाया मिस ने इधर, काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5 स्ट्रोक्स. ओके, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर हियर? 5. एंड हियर ये 5, ये देखो 5 नंबर दिया है, और ये 5 नंबर के साथ कितने नंबर आपको ऐड करना? 4 ऐड करना है. ओके, 1, 2, 3, 4 ऐड करना है. ओके, नाउ यू कैन काउंट, 1, 2, 3,
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, आ गया समझ में, फाइव प्लस फोर नाइन। ओके स्टूडेंट्स, एंड इधर क्या करना है? हाँ इधर देखो, ऊपर वन नंबर है, नीचे कुछ नंबर है क्या? कुछ भी नहीं है। देखो क्या करना है, ये वन को ऐसे ही निकाल के इधर लिखना है, क्या आंसर मिल जाएगा? नाइनटीन। ओके नाइनटीन क्या है? रुपीस है क्या? पैसे है, नाइनटीन रुपीस। ओके समझ में आया है क्या? देन नेक्स्ट वन, फिफ्टी रुपीस प्लस फाइव रुपीस। ओके फिफ्टी रुपीस प्लस फाइव रुपीस, सी है, फिफ्टी प्लस फाइव, क्या आंसर मिल जाएगा? फिफ्टी फाइव। ओके कैसे मिल गया फिफ्टी फाइव? इन दोनों को ऐड करो, प्लस करो, जीरो प्लस फाइव फाइव, देन हियर ओनली फाइव। ओके इधर देखो सिर्फ फाइव है, नीचे नंबर है क्या जोड़ने की? कुछ भी नहीं है। इसको क्या करना है, ऐसे ही निकाल के इधर लिखना है। देखो फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी फाइव, इधर क्या आंसर लिखना है? फिफ्टी प्लस फाइव फिफ्टी फाइव, फिफ्टी फाइव क्या है? रुपीस। ओके रुपीस फिफ्टी फाइव। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन, फिफ्टीन प्लस थ्री, फिफ्टीन प्लस थ्री, ओके रुपीज फिफ्टीन प्लस रुपीज थ्री, फिफ्टीन प्लस थ्री। ओके देखो लिखने के टाइम आपको याद रखना है, ध्यान रखना। ओके फाइव का नीचे ही लिखना थ्री। ओके फाइव का नीचे आना चाहिए थ्री को। ओके फिफ्टीन प्लस थ्री, ओके फाइव प्लस थ्री ऐड करना, क्या करेंगे हम? फाइव। ओके वन टू थ्री फोर फाइव, हाउ मेनी स्ट्रोक्स आर हियर? फाइव, काउंट इट, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके ये देखो इधर कितने नंबर दिया है, कौन सा नंबर? पांच है, इसलिए इधर कितने स्ट्रोक्स बनाया? पांच स्ट्रोक्स बनाया। ओके और ये फाइव के साथ कितने नंबर ऐड करना है? थ्री ऐड करना है। ओके तो क्या करेंगे, इधर भी थ्री स्ट्रोक्स बनाएंगे। ओके नाउ काउंट दीज ऑल स्ट्रोक्स। ओके अभी ये स्ट्रोक्स पूरा काउंट करना है। ओके काउंट इट, वन टू थ्री फोर फाइव। ओके इधर फाइव नंबर है, फाइव स्ट्रोक्स है। देन फाइव के बाद सिक्स सेवन एट। ओके फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट। ओके समझ में आया है क्या? इधर फाइव है इसलिए इधर फाइव स्ट्रोक्स बनाया, इधर थ्री है इसलिए इधर थ्री स्ट्रोक्स बनाया है। ओके ये दोनों स्ट्रोक्स को क्या करना है, काउंट करना है। ओके वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, फाइव प्लस थ्री इज इक्वल टू एट, समझ में आया? यस। देन हियर देखो, इधर देखो इधर कितने नंबर है? ओनली वन नंबर, नीचे कुछ नंबर है क्या? इधर कुछ भी नहीं है, इसलिए ये वन ऐसे ही निकाल के लिखना है। ओके क्या आंसर मिल गया? और आंसर इज एटीन। ओके रुपीज फिफ्टीन प्लस रुपीज थ्री इज इक्वल टू रुपीज एटीन। ओके स्टूडेंट्स समझ में आया? यस। देन नेक्स्ट, रुपीज टेन प्लस रुपीज फोर। देखो रुपीज टेन प्लस रुपीज फोर इज इक्वल टू टेन। ओके प्लस फोर कैसे करेंगे? जीरो के साथ फोर नंबर को ऐड करना है, ऐड करो कितने मिल जाएगा? फोर, और इधर बोलो आ इधर कौन सा नंबर है?
इधर वन नंबर है, नीचे कुछ नंबर दिया है क्या ऐड करने के लिए? कुछ भी नहीं है। देखो वन के साथ कुछ नंबर, ये तो जो नंबर नीचे दिया है ये जीरो के साथ ऐड करना है। इधर कुछ नंबर दिया है क्या? कुछ भी नहीं। तो क्या करना है, ये वन को निकाल के लिखना है। ओके व्हाट इज द आंसर? 14। ओके स्टूडेंट, समझ में आया है क्या? आंसर इज 14 रुपीज 14। ओके समझ में आया है क्या? देन नेक्स्ट, रुपीज 50 प्लस रुपीज 8। ओके स्टूडेंट्स, क्या है? रुपीज 50। ओके 50 प्लस रुपीज 8। ओके 0 प्लस 8, क्या आंसर आएगा? 8। ओके 0 मीन्स शो नहीं है, कुछ भी नहीं है। 8। देन इधर 5, ये 5 को निकाल के लिखना है। इधर 5 के साथ ऐड करने के लिए कुछ भी नहीं है, ये 5 को इसलिए ऐसे ही निकाल के लिखना। क्या आंसर मिल जाएगा? 50 प्लस 8 इज इक्वल टू 58। 58 क्या है? रुपीस है क्या? पैसे है क्या? क्या है? 58 रुपीस है। ओके समझ में आया है क्या बच्चों? देन नेक्स्ट वन, रुपीस 40 प्लस रुपीस 2। ओके रुपीस 40, रुपीस 40, 40 प्लस 2। ओके 40 प्लस 2, ओके यस ऐड इट, 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2 एंड हियर 4, आंसर इज 42। ओके रुपीस 42। ओके स्टूडेंट्स, 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42। समझ में आया है क्या सबको? समझ में आ गया? अभी आप बुक में देखो, पेज नंबर 95 में है, उधर दिया है। ओके लुक एट द प्राइसेस ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ओके उसमें बहुत सारे पिक्चर्स दिया हुआ है, बहुत सारे चीज का पिक्चर्स है और वो सारे चीज का प्राइसेस भी है। ओके स्टूडेंट्स, आपको वो देखना ध्यान से, फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को आंसर करना है। ओके स्टूडेंट्स, यस द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉस्ट द लीस्ट। ओके व्हाट कॉस्ट द लीस्ट, आप वो पिक्चर्स में देखो, उसका प्राइस भी देखो, उसमें सबसे कम प्राइस। ओके सबसे कम प्राइस किसका है, कौन सा चीज का है? सबसे कम प्राइस, आप पिक्चर देख लो ध्यान से। ओके सबसे कम प्राइस किसका है, कौन सा चीज का है? बेलून। ओके बेलून, आपको इधर क्या आंसर लिखना है? बेलून बी ए डबल एल डबल ओ एन। ओके बेलून। ओके सबसे कम प्राइस किसका है, कौन सा चीज का है? बेलून का है। ओके देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट कॉस्ट द मोस्ट। ओके हाँ सबसे ज्यादा प्राइस कौन सा चीज का है? सबसे ज्यादा प्राइस अम्ब्रेला। ओके आप देखना अम्ब्रेला के प्राइस देखना, सबसे ज्यादा है क्या? यू एम बी आर ई डबल एल ए अम्ब्रेला। ओके स्टूडेंट्स, बेलून का प्राइस आपने देखा है, बेलून का सबसे कम प्राइस है। ओके 5 रुपीज एंड अम्ब्रेला को देखो, अम्ब्रेला को क्या प्राइस है? 50 रुपीज। ओके वो द मोस्ट। ओके हाँ सबसे ज्यादा पैसा अम्ब्रेला का है। ओके 50 रुपीज। ओके द नेक्स्ट, विच आइटम्स कॉस्ट लेस देन टेन। 10 रुपए से, 10 रुपए से कम कौन सा चीज का है प्राइस है? बेलून। ओके बेलून का प्राइस क्या है? 5 रुपीज। ओके बी ए डबल एल डबल ओ एन बेलून। देखो कौन सा चीज का, कौन सा आइटम का प्राइस है 10 रुपए से कम?
कौन सा आइटम्स का है? बेलून का. ओके बेलून का प्राइस कितना है? 5 है. 5 10 से कम है ना. यस देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइटम्स कॉस्ट मोर देन 40 रुपीज. देखो कौन सा आइटम का प्राइस है 40 से ज्यादा. अब देखो आप उसमें देख लो कौन सा आइटम का प्राइस है 40 से ज्यादा है. एक अम्ब्रेला है, देखो अम्ब्रेला हमने पहले लिखा था, एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला का क्या प्राइस है 50 रुपीज. एंड वन मोर इज देयर. ओके हाँ वन बुक इज देयर. बुक का क्या कॉस्ट है, क्या प्राइस दिया है बुक का 45 रुपीज. ओके विच आइटम कॉस्ट मोर देन 40, 40 से ज्यादा कौन सा आइटम है? बुक है, अम्ब्रेला है. ओके बुक का प्राइस 45 रुपीज है और अम्ब्रेला का प्राइस 50 रुपीज है. ओके व्हाट इज द आंसर? बुक. ओके बुक एंड अम्ब्रेला. ओके समझ में आया है क्या आपको? ये आपको बुक में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स आपका बुक में देखना पेज नंबर 95 में है ये सारे. ओके स्टूडेंट्स ये आपको घर बैठ के लिखना है बुक में. ओके दिस इज फॉर योर टुडेज होमवर्क. ओके